हाय गाइज दिस इज प्रीति वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस गाइज़ आज की इस वीडियो में हम के वी एस टी जी टी एल डी सी ई पेपर के रीजनिंग सेक्शन से गाइज जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका परफेक्ट सॉल्यूशंस करेंगे तो आई होप आप सभी को स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस तो प्रॉपर दिख ही रहे होंगे चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं इन क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए गाइस जैसा कि पहला पहला क्वेश्चन आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उस विषम अक्षर समूह को चुनिए जो समूह से संबंधित नहीं है तो गाइस ये ओड वन आउट का क्वेश्चन है ओड वन आउट का ठीक है जिसमें से चार ऑप्शन दिए तीन एक समान है और एक सबसे डिफरेंट है वो आपको सर्च करना है जैसा कि अगर मैं कहूं जे क्यू टी लिखा है जे क्यू टी ठीक है अगर आप देखोगे तो जे दसवें नंबर पे है क्यू सतारवें नंबर पे है ठीक है और जो ये टी है ये बीसवें नंबर पे है ओके इसी तरीके से ई e का प्लेस वैल्यू आपको पता है ई e पाँच नंबर पे है वी बाईस पे है जे दस पे है आप सबको एक चीज़ और भी दिख रही होगी जैसे जे और क्यू आपस में जो है अपोजिट्स हैं ई वी आपस में अपोजिट्स हैं क्योंकि अपोजिट लेटर का जो सम होता है वो टोटल ट्वेंटी सेवन होता है तो वो एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं वो लेटर ठीक है लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है ये सब आपने चेक किया होगा इस क्वेश्चन में गाइज आपने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ जैसे कि इन्होंने यहाँ पर जे क्यू और टी लिखा है तो ये जो जे है अगर हम अपनी एबीसीडी को कवर करें ना जैसे हमने लिखा ए बी सी डी ये देखिए गाइस अगर मैं जे को आगे से काउंट करूं तो जे दसवें नंबर पे आता है और जो क्यू है अगर मैं उसको पीछे से काउंट करूं देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो ये पीछे से दसवें नंबर पे आता है तो हमें इस तरीके से देखना है ठीक है जे आगे से दसवें पे आ रहा है और क्यू पीछे से दसवें पे आ रहा है ठीक है ओके okay. अब यहाँ पर जो टी है वो गाइस कितना बन रहा है ट्वेंटी इसका मतलब इन दोनों का जो एडिशन है टेन प्लस टेन ये ट्वेंटी के इक्वल है समझ पाए बात को इसी तरीके से ये देखिए जैसे मैंने लिखा ए बी जी जो बी ऑप्शन है ठीक है ई जो है फ्रंट से फाइव है देखो वन टू थ्री फोर फाइव इसी तरीके से वी को पीछे से काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव तो ये फाइव हो गया और फाइव प्लस फाइव कितना हो गया टेन उसी तरीके से आपका ए जेड और बी है ठीक है ए आगे से कौन से नंबर पे है वन पे और Z पीछे से कितने नंबर पे वन पेन वन प्लस वन करोगे तो B टू नंबर पे होता two आएगा उसी तरीके से नेक्स्ट आपका L O V, तो L कौन से नंबर पे है बारह ठीक है और अगर O को पीछे से काउंट करोगे तो कितने नंबर पे आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट तो ये ट्वेल्व ही आएगा लेकिन बारह प्लस बारह कितना बनता है भाई चौबीस बनता है लेकिन वी कौन से नंबर पे है बाईस इसका मतलब जो भी आगे वाले दो लेटर्स का जो टोटल था वो पीछे वाले के टोटल के इक्वलेंट्स था जबकि यहाँ पर नहीं है इसी वजह से जो हमारा जो ऑप्शन सोल्व होगा जो हमारा ऑप्शन फॉलो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर ठीक है आई होप सब स्टूडेंट्स को क्लियर है चलिए इसी के साथ चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपने मेरा ब्लड रिलेशन कराने का तरीका तो गाइस देखा ही होगा Uh, इसी uh, हमारे इसी चैनल अचीवर्स अकेडमी निशा शर्मा यूट्यूब चैनल पर ब्लड रिलेशन का बिल्कुल बेसिक से डाला हुआ है मैं जो मेल जेंडर होता है उसको ट्रेंगल से रिप्रेजेंट करती हूँ जो फीमेल होता है उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करती हूँ चलिए एक फोटोग्राफ में एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए राजेश ने प्रेमा से कहा अब देखो सबसे पहले हमने ये देखना कि कहा किसने राजेश ने कहा है कि मैं इनका एकमात्र पुत्र हूं अब इनका वर्ड किसके लिए यूज किया पुरुष के लिए यूज किया है जैसा कि गाइज ये राजेश है ये देखो ये राजेश है मैंने यहाँ आर लिख दिया ठीक है राजेश कहते हैं कि मैं इनका एकमात्र पुत्र हूं मतलब ये जो पुरुष है ना इसका एकमात्र पुत्र है ठीक है मैं यहाँ पर पू लिख देती हूँ ठीक है ये पुरुष का एकमात्र पुत्र है कौन है एकमात्र पुत्र राजेश ठीक है और इसने कहा है और इनकी पुत्री तुम्हारे पति की माए इनकी पुत्री मतलब ये जो ये जो है ना ये जो पुरुष है इनकी पुत्री मतलब ये मैंने बना दी मतलब मेरी बहन हो गई मतलब अगर मैं राजेश हूँ ये मेरे पिता हो गए पुरुष और ये हो गई मेरी बहन इनकी जो गई पुत्री है वो तुम्हारे पति की माँ तुम्हारे मीन्स प्रेमा के पति की माँ तो मैं यहाँ पर अलग से एक फिगर बना लेती हूँ जैसे कि ये हो गई प्रेमा प्रेमा का ये हो गया पति और प्रेमा के पति की गाइज हो गई माँ ठीक है मतलब ये जो सर्किल है ना ये सर्किल जो राजेश मतलब जो मेरी बहन है वो प्रेमा के पति की माँ है इसका मतलब इसके नीचे गाइज हम ट्रेंगे लगा देंगे और प्लस में जो गाइस यहाँ पर मैं लिख दूंगी यहाँ पर प्रेमा ठीक है यहाँ पर मैंने प्रेमा लिख दिया इस वाले सर्किल में अब ये कह रहे हैं राजेश प्रेमा के पति से किस तरीके से संबंधित अब ये राजेश है और ये प्रेमा है राजेश प्रेमा के पति मतलब इस ट्रैंगल से क्या संबंध है इसका ठीक है अब सीधी सी बात है ये हो गया ये जो ट्रेंगिल है ये सर्किल हो गई इसकी मदर और ये हो गया मदर का ब्रदर तो जो, जो मदर का ब्रदर होता है वो होता है भाई मामा तो यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर होगा भाई आप सभी देख लीजिएगा आप प्लस माइनस के साइन से करते हैं ब्लड रिलेशन जैसे भी करते हैं अदरवाइज किसी को ना समझ में आया हो तो आप भाई मेरी इस वीडियो को फॉलो कीजिए जो मैंने बेसिक से कराया हुआ ट्रेंगिल सर्किल वाला ठीक है चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि एक ऊट भाषा में सोल्ट को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में सोर को क्या लिखा जाएगा चलिए उस इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ देखिए इस इन्होंने ये सोल्ट का कुछ कोड लिखा है सबसे पहले आप ये देखो किसी भी लेटर से नंबर कब बनता है नंबर बनता है भाई उसकी प्लेस वैल्यू से तो यहां पर तो आप देख ही रहे होंगे जैसे कि यहां पर इन्होंने क्या 20 लिखा है बीस लिखा है इक्कीस लिखा है तीन लिखा है फिर से इक्कीस लिखा है तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया एक एक ऐड किया जैसे उन्नीस से बीस बनाया एक से दो बारह से तेरह और बीस से क्या बनाया इक्कीस उसी तरीके से गाइस जो सोर है ना सोर जो इन्होंने पूछा है सोर का कोड वो भी हम सेम बनाएंगे जैसे कि एस उन्नीस है ओ पंद्रह है यू इक्कीस है आर अठारह है ठीक है तो आपने गाइस क्या करना है उन्नीस से बीस बनाना है पंद्रह से सोलह बनाना है इक्कीस से बाईस बनाना है और अठारह से उन्नीस बनाना है तो ये कौन सा ऑप्शन है भाई बीस सोलह बाईस उन्नीस तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो यहां पर क्लियर होता दिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस उत्तर दिशा की तरफ 50 मीटर चलने के बाद ये देखो ये सारी दिशाएं डायरेक्शन मैंने बना रखी है सबका आपको ज्ञान है अच्छे से ठीक है तो उत्तर की तरफ भाई 50 मीटर चलती है ठीक है तो हम एक काम करते हैं भाई उत्तर की तरफ 50 मीटर चलाते हैं ओके सॉरी थोड़ी सी टेढ़ी लाइन हो गया पचास मीटर ठीक है उसके बाद लिखा है सत्तर मीटर जो है वो दाएं और मुड़ती है ठीक है सत्तर मीटर दाएं और मुड़ गई ओके उसके बाद लिखा है फिर वह घड़ी की दिशा में नब्बे डिग्री मुड़ती है अब घड़ी की दिशा में नब्बे डिग्री मुड़ती है और चालीस मीटर चलती है तो चालीस मीटर तो अगर ये पचास है तो आप यहाँ चालीस कर लो अब घड़ी की दिशा में मुड़ने का मतलब ये है ना कि इस तरीके से चलना ये ऐसे ठीक है तो मतलब ये ऐसे मुड़ रही है ठीक है अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़कर 50 मीटर चलती है इसका मतलब 135 डिग्री जैसे कि आप देखोगे ना कि देखो जैसे कोई पर्सन यहां खड़ा है तो इसका मतलब 90 डिग्री यहां पर और 135 मतलब 45 वो इस साइड होगा इसी वजह से हमने इसको कुछ इस तरीके से बनाना है कि ये आपका पचास मीटर हो गया तो अब ये बताओ कौन सी दिशा में जा रहा है तो गाइज ये वाली दिशा कौन सी है ये वाली दिशा ये वाली दिशा कौन सी है बताओ ये वाली दिशा है हमारी नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर फोर उत्तर पूर्व ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का पांच महिलाएं एक कतार में खड़ी हैं कतार के दोनों सिरों पर खड़ी महिलाओं में से एक ने नीली पोशाक पहनी है और एक ने पीली ठीक है अब देखो और दूसरी ने पीली पहनी है और दोनों सिरों पर खड़ी है. अब हमें ये तो पता नहीं है नीली का है और पीली का है तो हम एक काम करते हैं यहां पर जो है नीली मान लेते हैं मैंने नीली को नी लिख दिया है और यहां पर लास्ट में हम पीली मान लेते हैं और इसके बीच में तो ऑफकोर्स ही बात है अगर ये दोनों लास्ट में हैं तो इसके बीच में तीन पर्सन ही होंगे तभी टोटल पांच होंगे और इस साइड में पीली मान लेती हूँ और इसके बीच में तीन लोग बिठा के और यहाँ पर नीली मान लेती हूँ ठीक है समझ में आ गया अब इन्होंने लिखा है सफेद पोशाक वाली जो महिला है वो गुलाबी पोशाक वाली महिला के दाएं और परंतु लाल पोशाक वाली महिला के बाएं है देखो सफेद पोशाक वाली महिला गुलाबी वाली के दाएं मैं अलग से बना रही हूं गुलाबी के दाएं सफेद वाली है ठीक है सफेद वाली महिला गुलाबी महिला के दाएं है परंतु लाल वाली महिला के बाएं है मतलब सफेद वाली लाल वाली महिला के बाएं है ठीक है मतलब ये चीज जो है इसके बीच में फिल होगी साथ में इन्होंने लिखा है लाल पोशाक वाली महिला पीली पोशाक वाली महिला के बाएं है मतलब यहाँ पर पीली आना चाहिए पीली का बाएं बाएं तभी बनेगा पीली के बाएं यहां तो लाल आएगी नहीं इसका मतलब कौन से वाला फॉलो होगा पीली के बाएं ये ऊपर वाला फॉलो होगा क्योंकि यहाँ तो पीली के बाएं बन नहीं सकता इसका मतलब ऊपर वाली पॉसिबिलिटी सही होगी तो ये गुलाबी हो गया ये सफेद हो गया और ये हो गया आपका लाल अब इन्होंने पूछा कि कतार के मध्य में खड़ी महिला के पोशाक का रंग क्या है ऑफकोर्स ही बात है मध्य में निकालना होता है तो दो इधर से छोड़ो दो इधर से छोड़ो तो बीच का क्या आएगा सफेद देन ऑप्शन नंबर सेकंड इज क्लियर ठीक है भाई किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी समझ में ना ना आए तो वीडियो को फिर से पीछे जाके देखिए सब कुछ समझ में आ जाएगा फिर से वो लाइन सुनिए मिसिंग की है ठीक है क्योंकि मेरा ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिससे कोई भी क्वेश्चन ना सोल्व हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस सबसे पहले ये कथन दिया और आपने की कौन सा सही होगा आपने पहले क्या करना है इस वाली ये जो लिखा है ना ये तीनों पॉइंट्स इसकी एक स्टेटमेंट में क्रिएट करो जैसा कि इन्होंने लिखा है आर उसके बाद ये सिंबल है फिर लिखा इन्होंने पी अब देखो जो पी है वो जी के इक्वल है जो थर्ड वाला यहां पर मर्ज कर लो उसके बाद सेकेंड वाला क्या करना है आर जो छोटा है ना डब्ल्यू से तो आर छोटा बना दो डब्ल्यू से तो ये वाली एक सिंगल स्टेटमेंट अपग्रेड कर लो अब देखो कौन सा निष्कर्ष सत्य है पी छोटा है W से अब देखो पी छोटा है हमें प्रायोरिटी साइन हमारा ये वाला होता है ये वाला प्रायोरिटी साइन तो पी छोटा है W से फर्स्ट वाला फॉलो हो रहा है और G जो है छोटा और इक्वल है G छोटा और इक्वल है R से भाई ये वाली बात भी यहाँ फॉलो हो रही है ठीक है तो भाई इसका आंसर आएगा निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं हंड्रेड अगला क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर सेवन नीचे दो कथन दिए उनमें एक अभी कथन ए और एक तर्क आर चिन्हित किया गया है इन्होंने अभी कथन ए में समभुज त्रिभुज की सभी भुजाएं एक बराबर होती हैं मतलब जो ट्रायंगल होता है उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं भाई ये बात तो बिल्कुल सही है उसके बाद रीजन तर्क में लिखा है कि समभुज त्रिभुज के सभी कोण एक समान होते हैं मतलब ये भी बात सही है ठीक है तो कूट की सहायता से अपने सही उत्तर का चयन करना है कि ए और आर दोनों सही है जैसे कि ये वाला ए है और ये वाला आर है अगर ये दोनों सही है तो आर ए की सही व्याख्या है और ए और आर दोनों ही सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है ये गलत है ये सही है तो आपको ये चेक करना है ठीक हो अब देखो इसमें है ये कि क्या ये तीनों साइड या क्या ये तीनों एंगल जो इक्वल है इन तीनों साइड के इक्वल होने की वजह से होते हैं हमने पता है यहां पर कैसे आंसर देखना है हमने ये आंसर देखना है कि ये जो तीनों एंगल जो इक्वल है जैसे कि इन्होंने ये बताया है कि जो समुझते त्रिभुज के सभी कोण समान होते हैं तो जो सभी कोण गाइस समान होते हैं क्या इन तीनों साइड्स के इक्वल होने की वजह से समान होते हैं अगर ये बात सही है तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट है कि ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है जो आर है ना वो ए की सही व्याख्या है देन इसका जो ऑप्शन आएगा इसका जो ऑप्शन अगर आप कहोगे तो भाई ए ऑप्शन ही आना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आना चाहिए ठीक है अगला क्वेश्चन है गाइस डाटा सफिशियंसी का इसमें देखो इन्होंने क्वेश्चन दिया है किसी विश्वविद्यालय में कितने टीचर हैं प्राध्यापक प्रोफेसर हैं उस शिक्षण का कार्य करते हैं आपने निकालना है मतलब एक तरीके से टोटल नंबर ऑफ प्रोफेसर निकालने हैं अब इन्होंने ये देखो पहला दिया है और सेकंड दो स्टेटमेंट दिए है कि ट्वेंटी तो, थ्री डिपार्टमेंट है टोटल और विभागों की जो संख्या प्रत्येक विभाग में प्राध्यापकों की संख्या का अनुपात एक अनुपात चार है मतलब टोटल इन्होंने कहा है कि जो टोटल डिपार्टमेंट है मैंने डिपार्टमेंट को डी लिखा है वो एक है और जो टोटल प्रोफेसर हैं वो चार हैं ठीक है अभी देखा विश्वविद्यालय में तेईस विभाग है इसका मतलब जो डी है वो तेईस के इक्वलेंट्स है तो प्रोफेसर निकल आएंगे इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि इन दोनों स्टेटमेंट से ही हम आंसर निकाल सकते हैं ना अगर हमने इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना हो तो दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है ना तो हम इस वाले क्वेश्चन से इस वाले पॉइंट से अकेला आंसर निकाल सकते हैं ना इस वाले से तो इसका मतलब कि दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड इकट्ठे प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस डाइस का इन्होंने लिखा है नीचे घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं संख्या पांच वाले फलक के विपरीत पर कौन सी संख्या होगी देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना दो डाइस का तो आपने एक नंबर कॉमन देखना है जैसे कि इन दोनों के बीच में छह कॉमन है तो जो भी कॉमन नंबर हो उसे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाना है मतलब घड़ी की दिशा में जाना है अगर मैं छह नंबर से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलूं तो कुछ इस तरीके से चलूंगी तो आपने क्या करना है सबसे पहले जो भी इनके बीच में कॉमन नंबर है उसको यहां पर लिखना है उसके बाद क्लॉक वाइज में फिर क्या आ रहा है एक जैसे कि ये छह बजी है फिर ये बारह हो गई ये तीन हो गई नौ बज गई इस तरीके से क्लॉक चलती है ठीक है तो यहां मैंने लिखा दो उसी तरीके से ये ऐसे क्लॉक चलेगी जैसे मैं एरो लगा रही हूं तो कॉमन के नीचे कॉमन लिख दो उसके बाद आपका तीन आएगा फिर आपका पांच आएगा ठीक है अब ये बताओ एक डाइस में छह तक नंबर होते हैं टोटल ठीक है तो ये बताओ इसमें से कौन कौन सा नंबर मिसिंग है क्योंकि छह के अपोजिट छह तो होगा नहीं तो भाई मिसिंग नंबर कौन सा है भाई चार तो मैंने यहां पर लिख दिया चार तो आपसे पूछा गया कि पांच वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा भाई पांच के विपरीत कौन है अपोजिट भाई दो ही है तो आपका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस दिए गए त्रिभुज दिए गए रेखा चित्र में जो त्रिभुज है वो पुरुषों को दर्शाता है ठीक है और जो वृत्त है वो पुत्रों को दर्शाता है और जो आयत है वो चिकित्सकों को दर्शाता है तो कौन सी ऐसी कौन सी संख्या उन पुरुषों को दर्शाती है जो ना कि पुत्र ना ही चिकित्सक पहले तो ये देख लो पुरुष होने चाहिए लेकिन वो पुत्र और चिकित्सक दोनों नहीं होने चाहिए मतलब वो ट्रंग मतलब वो आयत मीन्स जो रेक्टेंगल है और सर्किल दोनों के बीच में नहीं आने चाहिए सिर्फ ट्रेंगिल होने चाहिए तो सीधी सी बात है एक आठ और दस सिर्फ यहीं ट्रेंगिल के अंदर है बाकी अगर आप देखोगे तो सारे या तो मिक्स हैं या अलग है मतलब आपको सिर्फ पुरुष चाहिए ना क्योंकि ये दोनों चीज तो होनी नहीं चाहिए तो एक आठ और दस तो आपका जो आंसर रहेगा वाई का ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है तो आई होप भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा जितने भी मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं टोटल टेन क्वेश्चंस थे आपके रीजनिंग के ठीक है भाई देख लेना अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में ना या हो या किसी को किसी क्वेश्चन में एरर लग रही हो तो भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं ठीक है मैंने अपनी तरफ से सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन करा दिए हैं और आप इसको अपने आंसर से मैच करके वेरीफाई कर सकते हैं ओके गाइज तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच गाइज बाय है नाइस डे टेक केयर